बागवानी की तरफ उसको लेके जाना पड़ेगा। और तीसरी जो बात है प्राकृतिक खेती, हर कोई सरकार संस्था विभाग प्राकृतिक खेती की तरफ जोर दे रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि हमने खर्चे घटाने हैं, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि खर्चे घटा के अच्छी पैदावार लेंगे। ये नहीं कि सारे खेत प्राकृतिक में करने, शुरुआत करनी है चाहे आप एक कनाल से करो, दो कनाल से करो। और या कोई ऐसा कमजोर आदमी या कोई बीपीएल परिवार से या ऐसा आदमी है जो कोई किसी भी प्रकार का कोई केस लड़ना चाहता है और उसके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है या वो असमर्थ है, तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से अगर वो कोई केस लड़ना चाहता है तो सरकार उसको मुफ्त में कानूनी सहायता देने के लिए एक स्कीम शुरू की है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई किसान है या कोई भी आदमी ऐसा है कि कोई जेल नहीं होना चाहिए, जब वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का नंबर डालेगा उसके बाद ही वो अगले स्कीम पे जाएगा। इसके बाद एक स्कीम है कपास की फसल को बढ़ावा देना, जो अपना कपास का एरिया है तो वहाँ पर कोई किसान है अपने खेत में पक्की टिक्की बनवाना चाहता है तो उसकी एक स्कीम है, तो उस पर 2.5 लाख से 3.25 लाख रुपए टिक्की के साइज के हिसाब से, एरिया के हिसाब से उसको अनुदान दिया जाता है। और उसका मेन पर्पज है कि पानी की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करनी है और जो हमारे पास नहर का या अच्छा पानी है उसका सदुपयोग करो कि जिस टाइम हमारे पास बारिश हो गई और होगी उस टाइम पानी पर्याप्त मात्रा में होता है वो बह के बेकार चला जाता है। अगर हम योजनाओं में अगर आपको किसी भी तमाम तरह की समस्याओं के बारे में सूचना ना मिली हो या आप सही से समझ ना पाए हो तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि आप डॉक्टर ओपी मेहता जी यहाँ यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको हवा का जो प्रेशर है वो रखना है 13 से 15 PSI। वही टायर आप अगर वही ट्रैक्टर अगर आप जब रोड पर लेके जाते हैं ढुलाई में यूज करते हैं तो आपको 18 से 20 PSI का उसमें एयर प्रेशर रखना है, तो आपका सर्विस भी अच्छा देगा और टायर में ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा। इसके अलावा कई चीज़ें ऐसी होती है कि मार्केट में लोकल टायर्स अवेलेबल रहते हैं जिनकी वजह से भी काफ़ी इशू आता है, एक दो साल में किसान भाई यूज़ करते हैं टायर को फिर वो नहीं यूजफुल रहता है। अच्छा मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा आपको जिसके माध्यम से जो वर्धन टायर है जिसके बारे में आप और अच्छे से समझ पाएंगे उसकी विशेषताओं के बारे में। चल जा बिल्ली सीधा साधा।